हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब शाहिद और आज के रियल छोटी सी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ टेक्निकल गुरुजी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने फ़ोन से ही इसकी अपने सेकंड फ़ोन से इसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैसेज है छोटा सा, जो कि आपको आज रात 10 बजे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। अगर आप टेक्निकल गुरुजी को जानते हैं, आपने ये नाम लाजमी फेसबुक यूट्यूब पर सुना होगा, ठीक है। टेक्निकल गुरुजी एक बंदा है जो टेक्निकल वीडियोज़ बनाता है, टेक्निकल गुरुजी, ठीक है। गुरुजी तो उसने ऐसे लिखा है, आज तक इस बंदे से किसी ने मेरे ने ख्याल कुछ कोई स्किल सीखी होगी, ठीक है। बस इस बंदे को व्यूज से मतलब है। तो बात करते हैं कि हुआ एक्चुअल में हुआ क्या था। इस बंदे ने पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोला अपनी एक रिसेंटली टेक न्यूज़ वीडियो में, जो इसकी सीरीज़ है वीडियोज़ की, उसमें इसने पाकिस्तान के बारे में बकवास की है। तो इस बंदे की पहले हिस्ट्री खोल लेते हैं कि ये बंदा है क्या। तो मैं इसे रिसेंट बैक एक साल पहले से जानता हूँ, जब इसने टेक्निकल सागर जी के साथ फ़ाइट की थी, जब इसने कंट्रोवर्शियल चीज़ें फैलाई थी यूट्यूब पर उस सीन के बारे में। तो मैं इसे तब से फॉलो कर रहा हूँ, इसे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री यही रही है, ठीक है। लोगों को तंग करना, पोक करना और फिर उसी चीज़ से सब्सक्राइबर्स जो हैं गेन करना। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इतने बड़े यूट्यूबर टेक्निकल शर्मा जी से पंगा लिया, ठीक है, उनके बारे में बोला गलत सलत। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी और उसके अलावा भी यार काफ़ी छोटे छोटे यूट्यूबर्स को उन्होंने टारगेट किया। इवन छोटे छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ पर स्ट्राइक्स भी भेजी, क्योंकि उन्होंने उनका थंबनेल यूज़ किया हुआ था और उनका आई थिंक नाम भी यूज़ किया हुआ था सिर्फ इसी वजह से। तो मैं तो यार आज आपका नाम लेके आपसे बात करूँगा, टेक्निकल गुरुजी, कि आपने पाकिस्तान को टारगेट करके बहुत बड़ी गलती कर ली थी अपनी लाइफ की। इस गलती का आपको एहसास जल्दी होने वाला है। तो पाकिस्तान के काफ़ी यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस चीज़ पर वीडियो बना चुके हैं, अपलोड भी कर दी हुई है कि यार टेक्निकल गुरुजी को जो है अनसब्सक्राइब किया जाए। तो मैं इस चीज़ के हक में हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी फैंस या जो भी व्यूअर्स जो हैं उसके, सारे उस बंदे को जाके अनसब्सक्राइब करो अगर अपने पाकिस्तान से प्यार है तो, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसने किया क्या। उसने अपने एक न्यूज़ में बताया है पाकिस्तान के इंसल्ट करते हुए कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का फ्लैग जो आता है। तो यार ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी जो आपने अपने न्यूज़ उस सीरीज़ में ऐड कर दी जस्ट पाकिस्तान की इंसल्ट करने के लिए, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पता हो, अगर आप नेट यूज़ करते हो तो आपको पता है यार, एक ब्लॉग या वेबसाइट बना के उसमें अगर एक पोस्ट कर दो, टाइटल डाल दो, तो उससे रैंक करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूँ, तो आप गूगल पे जाके लिखें नमक हराम कंट्री, ठीक है, तो आपको जो कंट्री नज़र आएगी वो इंडिया नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी देना नहीं चाहता, ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल काफ़ी होगी। तो यार ये चीज़ें बहुत ही घटिया चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, कोई भी आम बंदा भी इसे कर सकता है जो टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज रखता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात कि आप इतने बड़ा चैनल हो आप, ठीक है, आपके 11 मिलियन, आई थिंक सो 11 मिलियन या 10 मिलियन शायद आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप जो है अपनी ऑडियंस को नज़र में रखते हुए कोई भी वीडियो बनाओ। आपने एक टारगेट किया एक स्पेसिफिक कंट्री को, पाकिस्तान को। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके 11 मिलियन में से मिनिमम 20-30% पॉपुलेशन जो है सब्सक्राइबर्स की, वो पाकिस्तान से भी होगी, या पाकिस्तानी तो लाजमी होंगे, या वो फॉरेन में रहते हैं या वो कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो लाजमी इतने परसेंटेज मेरे अंदाजे के मुताबिक होनी चाहिए। तो मेरी आप सब पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बंदे के चैनल पर सब्सक्राइब्ड हैं तो आप इस बंदे को अनसब्सक्राइब कर दो। इसे एहसास, इसे पता चले यार इसमें इसने किया क्या। पता नहीं ये नशा करके वीडियो बनाता है, तो जैसा टेक्निकल सागर जी ने बोला था, तो शायद इसने नशे में बोल दिया, तो इसका ज़रा नशा उतारें थोड़ा सा। इसके जो नंबर ऑफ काउंट सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़े कम होने चाहिए, इसके पता चले 3-4 मिलियन ज़रा जब गिरेंगे तो इसे आइडिया हो जाएगा कि इसने किस कंट्री के बारे में गलत बोला है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जाके अनसब्सक्राइब करना है और उस बंदे को कमेंट सेक्शन में जाके जो भी लिखना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में, या उस बंदे को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जाके आप उसके कमेंट सेक्शन में वो दे सकते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो थी सिर्फ इसी बारे में। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।